आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले प्रेजेंट डे मेक्सिको की जमीन पर अब तक के सभी जीवों में से दो सबसे विशाल जीव, एक तरफ मांसाहारी टीरेक्स और दूसरी तरफ शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स, अपने वंश को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी थी कि दोनों समझ गए थे आज कोई एक ही जिंदा बचे। पर आखिर कौन, क्या एक वेजिटेरियन यानी शाकाहारी जीव इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अपने साइज के एक नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी जीव को हरा पाए? या फिर जीत तो दूसरे नॉन वेजिटेरियन डायनासोर की होना तय थी। So, उस जमाने के सबसे विशालकाय शाकाहारी जीव और मांसाहारी जानवरों के इस कश्मकश में आपको क्या लगता है कौन जीतकर उभर आया होगा? ऑल्सो जरा इन्हें देखो, ये है जुरासिक पीरियड के मेगालोसॉरस, ओलोसॉरस, इच्थियोसॉरस और प्लेजियोसॉरस। इन चार जीवों में से सिर्फ तीन ही जुरासिक पीरियड से क्रेटेशियस दौर में आ पाए और आते आते इन तीनों में इवॉल्व हुए। अब ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हो कि इनमें मैच कुछ ऐसा है तो आप 100% गलत हो। एक्चुअल मैच यहां पर ये है। ऊपर से इन दो जीवों को देखो, इनमें से पहला जीव हम मैमल्स का पूर्वज है, बट येट वो अंडे देता था। दूसरा जीव है जिसने एग लेइंग जीवों की डोमिनेंस के बावजूद अपने अंदर कैंगरूस जैसे पाउच डेवलप कर दिए थे टू होल्ड देयर बेबीज। सो क्या क्रिटेशियस एज वो पीरियड था जिसमें एक स्पेशल किस्म के विचित्र से वातावरण की वजह से ऐसे वियर्ड आउट ऑफ द बॉक्स जेनेटिक म्यूटेशन ट्रिगर हो रहे थे, या फिर ये सारे बदलाव नेचुरल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का ही नतीजा था? वेल, आज हमारे डायनासोर सीरीज के इस तीसरे और आखिरी एपिसोड में हम उन सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप कहानी के रूप में कवर करेंगे ताकि क्रिटेशियस पीरियड एक्चुअल में कैसा था ये आप खुद साक्षात एक्सपीरियंस कर पाओगे और एवोल्यूशन का खेल उस दौर में कैसा चल रहा था इसकी गुत्थी भी आपके दिमाग में हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। और साथ ही में आप ये भी देखोगे कि कैसे हमारे धरती के इतिहास के सबसे ताकतवर जीव डायनासोर अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंचे सिर्फ अपने ही मौत का तमाशा देखने के। So sit back, relax and enjoy Dinosaur the Fall. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आज से करीब 145 मिलियन सालों पहले यानी जुरासिक पीरियड के अंत में पांजिया सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट रहा था। जगह जगह कई सारे ज्वालामुखी फट रहे थे और इन ज्वालामुखियों से निकले जानलेवा गैसेस पृथ्वी को पूरी तरह से ढकना शुरू कर चुके थे। अब वैसे तो ये कोई नई अनोखी घटना नहीं थी, पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। हर कुछ 100 मिलियन सालों में पृथ्वी के हिलते डुलते टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते बिखरते रहते हैं, लेकिन इस बार ये घटना साधारण से हटकर अनोखी थी। जब ये सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था तब पृथ्वी पर कई ऐसे मैच्योर जीव थे जो अपनी आंखों के सामने इस सुपर कॉन्टिनेंट को अपने बिरादरी के जीवों की जाने लेते हुए देख रहे थे। उन दिनों माहौल कुछ ऐसा था कि पृथ्वी पर सभी छोटे बड़े जीव ताजी हवा और शुद्ध पानी के एक एक कतरे के लिए तड़प रहे थे और देखते ही देखते इन भीषण परिस्थितियों की वजह से लगभग 55% डायनासोर्स की प्रजातियां विलुप्त हो गई, ले देकर सिर्फ कुछ ही जीव बच पाए। हम मैमल्स के पूर्वज मैमालियोफॉर्म्स, खतरनाक मांसाहारी मेगालोसॉरस और एलोसॉरस, शाकाहारी ब्राचियोसॉरस और स्टेगोसॉरस, उड़ने वाले आर्कियोप्टेरिक्स और फाइनली पानी में रहने वाले इच्थियोसॉर और प्लेजियोसॉर। अब यही बचे जीव पृथ्वी की कहानी को आगे बढ़ाने वाले थे। बट यहां पर सवाल ये आता है कि बदलते एक्सट्रीम दौर में एवोल्यूशन ने स्पेसिफिकली इन्हें ही क्यों चुना और इनमें से मांसाहारी जीव अचानक से बड़े क्यों होने लग गए? Well, यही तो है आज की कहानी। So, शुरू करते हैं। देखो, आज से 145 मिलियन सालों पहले लगातार हो रहे वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के मुकाबले 2 से 3 गुना बढ़ गई थी, जिसका सबसे बड़ा फटका पड़ा पेड़ पौधों को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का एवरेज तापमान 3 डिग्री से बढ़ गया था। अब आई नो आपको लग रहा होगा सिर्फ 3 डिग्री तापमान बढ़ने से पेड़ पौधे कैसे मर सकते हैं। सो वेल, लेट मी टेल यू, ये एवरेज तापमान जिसकी हम बात करते हैं ना, ये पोल की ठंड से लेकर इक्वेटर की झुलसा देने वाली गर्मी का एक एवरेज होता है जो प्रकृति के सारे सिस्टम्स को इक्विलिब्रियम में रखता है, और इसीलिए इसमें अगर 1 डिग्री से भी तापमान बढ़ गया ना तो वो इतना हो जाता है कि उससे पोलर आइस पिघलने लग जाता है, और उस वक्त तो तापमान 3 डिग्री से बढ़ गया था। अब क्योंकि खाने के लिए पेड़ की संख्या कम हो गई थी, इसीलिए जुरासिक पीरियड के ये शाकाहारी डायनासोर्स इस दौर के आने तक पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। बिकॉज ऑफ विच इन शाकाहारी डायनासोर्स के अचानक विलुप्त होने के बाद पृथ्वी की फूड चेन में एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया था, और इस वजह से पेड़ पौधों को फिर से पृथ्वी पर फैलने का मौका मिल गया।
पर यू सी, पेड़ पौधे जो है वो फूड चेन में सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उसे खाने वाले जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक मांसाहारी जीवों में भी खाने के लिए दिक्कत होती रहेगी, और इसीलिए इस गैप या निश को भरने के लिए बड़े शाकाहारी बर्ड हिप्ड ऑर्निथिशियंस, इग्वानोडॉन और प्रोटोसेराटॉप्स फिर से इवॉल्व होने लगे। अब इन डायनासोर्स ने कदम रखते ही बड़े ही चालाकी से पृथ्वी के गर्म वातावरण में जिंदा रहने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन लिया कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने अपने फेस को रीडिजाइन किया और जबड़े के जगह पर चोंच इवॉल्व की ताकि वो उनकी मदद से अपने आसपास के तापमान के हिसाब से हीट को एब्जॉर्ब या एमिट कर सके। बेसिकली चोंच में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसे सिकुड़कर जीव अपने बॉडी को गर्म रखते हैं और उसे फैलाकर बॉडी को ठंडा करते हैं, एंड इसी के वजह से वो अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करके बढ़ती गर्मी में भी सर्वाइव करने लगे। अब जहां पर एक तरफ ये हो रहा था, वहीं पर इन बड़े शाकाहारी जीवों के पैरों तले अंडा देने वाले मैमेलियोफॉर्म्स भी कुछ अनोखे बदलाव दिखा रहे थे। उन्होंने एनर्जी बचाने के लिए अपना रिप्रोडक्शन का तरीका ही बदल दिया। जहां पर पहले वो अंडा दिया करते थे, वहीं उन्होंने अपने शरीर के अंदर बच्चा डिवेलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त ना के बराबर खाना था और ऐसे परिस्थिति में अगर वो अंडा देते तो जो एनर्जी उनकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी वो अंडों की मोटी शेल बनाने में ही खर्च हो जाती। और आपको शायद पता नहीं होगा पर अंडों को भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। ओनली व्हेन बाहर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तभी ही वो अंडों के बारीक होल से अंदर डिफ्यूज होकर बच्चों तक पहुंचता है। बट लाइक आई सेड बिफोर, उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम थी, सो ये पॉसिबल ही नहीं था, और इसीलिए बच्चों को शरीर में पैदा करना और उसे अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाना वॉज द मोस्ट एफिशियंट सर्वाइवल टैक्टिक इन दैट एज फॉर मैमेलियोफॉर्म्स। पर देखो, इस सर्वाइवल टैक्टिक के भी कुछ अपने फ्लॉज थे। अगर आपको एक जान अपने अंदर डिवेलप करना है तो आप जो खा रहे हो वो अनफॉर्चुनेटली दो जीवों में बढ़ रहा है, यानी किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर सवाल है कौन करेगा। आप सोचोगे कि ऑब्वियसली माँ करेगी, बट नोप, माँ नहीं बच्चा करेगा, क्योंकि अगर माँ ने कॉम्प्रोमाइज किया और वो शिकार बन गई तो माँ और बच्चा दोनों मरेंगे। और इसीलिए मैमेलियोफॉर्म्स ने एक इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन किया, वो प्री मैच्योर बेबीज पैदा करने लगे और शरीर के बाहर उन्हें न्यूट्रिशन देने लगे, और इसके लिए उन्होंने अपने बॉडी पर एक पाउच अडैप्ट किया और कैंगरू के पूर्वज मार्सुपियल मैमल्स में इवॉल्व हुए। इससे वो अपने और अपने बच्चे दोनों की जान बचा सकते थे और साथ ही खाना भी ढूंढ सकते थे। और एग्जैक्टली इन्हीं बेनिफिट्स के वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले जीव तादाद में बढ़ने लग गए। इन शॉर्ट, मैमेलियोफॉर्म्स ने अपना पूरा फोकस अपने नंबर्स को बढ़ाने में लगा दिया ताकि अगर 100 में से 80 भी मारे गए तो एटलीस्ट 20 है जो उनकी स्पीशीज को आगे बढ़ाते रहे। बट देन उस समय के कुछ जीवों के पास इससे भी बेहतर एक एडेप्टेशन था। उन दिनों बड़े बड़े मांसाहारी थेरोपॉड्स जैसे मेगलोसॉरस इस कम ऑक्सीजन में जिंदा रहने के लिए एक टेक्निक अपनाने लगे। उन्होंने अपने अंदर यूनिडायरेक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम एडाप्ट करना शुरू किया जिससे वो स्पाइनोसॉरस में इवॉल्व हो गए। बेसिकली इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से हुआ ये कि स्पाइनोसॉरस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन साइमल्टेनियसली होने लगा, क्योंकि नॉर्मली लंग्स पूरी तरह से अपने फंक्शनिंग के लिए बाहर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर बाहर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो हमारा दम घुटने लगेगा। लेकिन इस न्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के पहले एक बड़ा एयर सैक डेवलप होने लगा जिसमें हवा और ऑक्सीजन पहले आकर कॉन्सेंट्रेट होते थे और फिर जाकर लंग्स में पास ऑन होते थे, यानी कि लंग्स को कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और यही वजह थी उस समय के स्पाइनोसॉरस जैसे जीव कम ऑक्सीजन में भी आराम से सर्वाइव कर सकते थे। सो ऑल इन ऑल, इस समय तक सभी जीव, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, हर किसी ने कोई ना कोई एडेप्टेशन करके इस कम ऑक्सीजन वाले गर्म वातावरण में जिंदा रहने के लिए अपने आप को ढाल लिया था। और देखते ही देखते जमीन पर अब एक डोमिनेंस का वॉर शुरू हो गया। अब सवाल यहां पर सर्वाइविंग का नहीं बल्कि थ्राइविंग का हो गया था, और इसीलिए कि डोमिनेंस की लड़ाई शुरू हुई। अब जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ने लग गई तो रणभूमि भी छोटी पड़ने लग गई, और इसीलिए धीरे धीरे ये जमीन की लड़ाई समुंदर में भी फैलने लग गई। दरअसल बढ़ते तापमान और पोल्स के पिघलने की वजह से समुंदर का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और पृथ्वी पर जगह जगह बाढ़ आने लगी। इन बाढ़ों की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी फ्रेश वाटर के स्रोत जैसे तालाब और नदियां, इनकी केमिस्ट्री बदलने लग गई। मतलब पानी में सॉल्ट्स और मिनरल्स की मात्रा बढ़ने लग गई, जिसका इस्तेमाल करके देखते ही देखते समुंदर में मरीन लाइफ भी थ्राइव करने लग गया।
बट इसके विपरीत जमीन पर एकदम अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था। वहाँ पर शिकार कम और शिकारी ज्यादा थे, जिसकी वजह से कुछ डायनासोर्स खुद अपने ही बच्चों को खाने लगे। ऐसे में जमीन पर रहने वाले जीवों के सामने बस एक ही ऑप्शन था, पानी में उतरकर शिकार करना शुरू करना, जिसके लिए कई डायनासोर्स जैसे स्पाइनोसॉरस फिर एक एवोल्यूशनरी टैक्टिक अपनाने लगे, और इसके तहत उन्होंने अपने अंदर दोबारा से कई एडेप्टेशंस लाए। पानी में तैरने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने पैरों के बीच एक वेब्ड स्ट्रक्चर इवॉल्व किया, जैसे एक डक का होता है, और अपनी पूंछ भी लंबी कर दी, और इसी के साथ समुंदर में फ्लोट होने के लिए अपने अंदर गुब्बारे जैसे कुछ ऑर्गन्स भी डेवलप करने लग गए। इन सभी एडेप्टेशंस की वजह से उनके स्ट्रक्चर्स और जेनेटिक्स में इतने चेंजेस आए कि स्पाइनोसॉरस सेमी एक्वेटिक मोजासॉरस में तब्दील हो गए, और देखते ही देखते समुंदर के एपेक्स प्रेडिटर बन गए। और यही वो समय भी था जब पानी में अब उथल पुथल होना भी शुरू हो गया था, क्योंकि अब पानी में एक नहीं बल्कि तीन बड़े शिकारी एक साथ रहने लग गए थे। एक कमान में तीन तलवारें, एक तो मोजासॉरस और दो जुरासिक पीरियड से मौजूद इच्थियोसॉरस और ब्लेजियोसॉरस, जो कंपीट कर रहे थे सिर्फ एक चीज के लिए, छोटी छोटी मछलियां। इससे हुआ ये कि गुजरते वक्त के साथ पानी में भी शिकार की मात्रा कम होने लगी और तीनों शिकारियों के खाने के लाले पड़ने लग गए। इसीलिए मोजासॉरस ने बड़े ही चतुराई से सबसे पहले अपने से छोटे इच्थियोसॉरस को अपना निशाना बनाया और वो उनका शिकार करने लगे। नतीजन इच्थियोसॉरस धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होने लगे। अब इच्थियोसॉरस का घटता नंबर देखते हुए मोजासॉरस का अगला निशाना बना प्लेसियोसॉरस, पर मोजासॉरस प्लेसियोसॉरस का शिकार करना शुरू करते उसके पहले प्लेसियोसॉरस ने चालाकी से अपने अंदर एक एवोल्यूशन लाया। उन्होंने देखा कि मोजासॉरस की सबसे बड़ी ताकत है उनके दांत और उनका बड़ा साइज, और इसीलिए उन्हें कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने भी कुछ एडेप्टेशंस लाए, जैसे अपने साइज को बढ़ाना और कील जैसे नुकीले दांतों को लाना। इस एडेप्टेशन के साथ वो इवॉल्व हो गए प्लायोसॉरस में, यानी कि अब तक कहानी में अर्ली क्रेटेशियस पीरियड में जमीन पर राज था स्पाइनोसॉरस का, पानी में राज था मोजासॉरस और प्लायोसॉरस का, और हवा में राज था जुरासिक पीरियड से मौजूद आर्कियोप्टेरिक्स का, जो अब तक टोटली अनचैलेंज थे। पर बहुत ही जल्द इन तीनों को चैलेंज करने वाला सबसे खूंखार डायनासोर दैट हैज एवर वॉक्ड ऑन अर्थ जन्म लेने वाला था। एक्चुअली हुआ यूं कि मिड क्रिटिशियस आते आते पांजिया के टूटने की रफ्तार बढ़ने लगी। इसके चलते आए दिन पृथ्वी पर जगह जगह भूकंप और बाढ़ आने लगी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा कीड़े मकोड़े और जमीन पर रहने वाले छोटे मैमल्स को, क्योंकि भूकंप और बाढ़ के चलते जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसने एक चेन इफेक्ट को शुरू किया, जिसके चलते उन पेड़ पौधों को खाने वाले कीड़े मकोड़े एंड इन टर्न उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले मैमल्स एक एक करके भूख से तड़प कर मरने लगे। और ऐसे में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ मैमल्स ने इंसेक्ट्स के जगह पर उस समय के बाकी जीव लाइक मरे हुए डायनासोर्स को खाने के लिए अपने आप को ढालना शुरू किया। लेकिन इन मरे हुए डायनासोर्स को खाने के लिए दिन दहाड़े बाहर निकलने का मतलब था दूसरे बड़े डायनासोर्स का शिकार बनके खुद ही अपनी मौत को बुलावा देना, और इसीलिए ये मैमल्स अपना खाना ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में बाहर निकलने लगे। और मैमल्स के इस चेंज इन बिहेवियर को देखते हुए मौका पे चौका मारते हुए आर्कियोप्टेरिक्स ने खुद रात में शिकार करना अडेप्ट कर लिया। पर इस अडेप्टेशन के लिए उन्हें दो चीजें चाहिए थी। पहली तेज आंखें, जो रात के अंधेरे में भी आसानी से इन छोटे मैमल्स को देख सके, और दूसरी तेज रफ्तार, जिसके चलते वो पलक झपकाते ही उन्हें दबोच सके। अब इस स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन को पॉसिबल करने के लिए आर्कियोप्टेरिक्स ने अपने आंखों की पुतलियों को राउंड से वर्टिकल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्टिकल पुतलियां मैक्सिमम रोशनी कैप्चर करती है। इससे उन्होंने रात में अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाया, और इन चेंजेस के चलते आर्कियोप्टेरिक्स वेलोसिराप्टर में इवॉल्व हो गए। ये वेलोसिराप्टर्स इतने खूंखार थे कि उन्होंने धीरे धीरे मैमल्स के साथ साथ प्रोटोसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी डायनासोर्स का भी शिकार करना शुरू कर दिया। इस वजह से अब प्रोटोसेराटॉप्स को अपने आप को दो शिकारियों से बचाना पड़ता था, एक पहले से ही उनका शिकार करने वाले एलोसॉरस और दूसरे रिसेंटली ही उन्हें खाने के लिए इवॉल्व हुए वेलोसिराप्टर्स। और इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में ही लगा दी। इसके चलते उन्होंने अपने शरीर पर तीन नुकीले हॉर्न्स और अपने नाजुक से गले पर एक सख्त प्लेट को इवॉल्व किया, और इन्हीं चेंजेस के वजह से प्रोटोसेराटॉप्स ट्राइसेराटॉप्स में इवॉल्व हो गए। दिस मेंट कि एलोसॉरस जैसे जीवों के लिए अब उनका शिकार करना मुश्किल होने लग गया, और इसीलिए मजबूरी में अपने आप को जिंदा रखने के लिए बचे हुए एलोसॉरस ने अपने शिकार के मजबूत डिफेंसेस को
भेदने के लिए अपने अंदर एक एवोल्यूशन लाया। उन्होंने अपने आकार को बढ़ाने के साथ साथ अपने दांतों को और नुकीला करना शुरू कर दिया। इतना नुकीला कि वो बस एक ही फटके में अपने से भी बड़े डायनासोर की गर्दन को दबोचकर वहीं पर उसका पूरा मांस उखाड़ सके। इनफैक्ट ट्राइसेराटॉप्स की प्लेट तक को भेदने के लिए उन्होंने अपने जबड़े को इस हद तक मजबूत कर लिया कि वो सिर्फ एक ही बाइट में एक एवरेज साइज कार को चकनाचूर कर सकते थे। इस पॉइंट तक आते आते वो एलोसोरस आज तक के सबसे खूंखार डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स यानी कि टीरेक्स में इवॉल्व हो चुके थे। इनके लिए किसी भी डायनासोर का शिकार करना चुटकी बजाने जितना आसान था और इस एडेप्टेशन और एवोल्यूशन की वजह से टीरेक्स का पलड़ा भारी था और अब जवाब देने की बारी थी ट्राइसेराटॉप्स की। वो इस खूंखार टीरेक्स से बचने के बजाय इसे दिखते ही इस पर हमला बोल देते थे, यानी कि उनके लिए अटैक बिकेम द न्यू डिफेंस। अब ये स्ट्रेटजी यू वोंट बिलीव इट बट इतनी काम की साबित हुई कि इसने टीरेक्स जैसे जानवरों को भी अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने पर मजबूर कर लिया और इन दोनों की राइवलरी डायनासोरियन इतिहास की सबसे डेंजरस राइवलरी मानी जाती है इवन आज तक। ऐसे ही एक दिन जब एक ट्राइसेराटॉप जंगल में खाने की खोज में घूम रहा था तब अचानक से कुछ टीरेक्स के बच्चों के एक झुंड ने उसे घेर लिया, लेकिन उस ट्राइसेराटॉप ने चालाकी से इस झुंड को चकमा दिया और उनसे दूर उस जंगल से बाहर भागने लगा। पर शिकारियों से भागता हुआ ये डायनासोर कहां जानता था कि वो इससे भी बड़े जाल में फंसने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ट्राइसेराटॉप जंगल के बाहर पहुंचा वहां पर बड़े बड़े टीरेक्सेस पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इस मोमेंट पर उसे रियलाइज हुआ कि उसे भगा देना ये टीरेक्स के झुंड की एक सोची समझी चाल थी। इस चाल के चलते ट्राइसेराटॉप्स अब लड़ो या मरो की पोजीशन में था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने इस टीरेक्स के झुंड के साथ लड़ने का फैसला किया। इन दोनों में एक खूंखार लड़ाई शुरू हुई। ट्राइसेराटॉप्स अपने हॉर्न से टीरेक्स को मारते तो टीरेक्स अपने दांतों से उन्हें घायल करते, पर आखिर इनमें से अंत में जीतेगा कौन? वेल यू सी, अगर यहां पर टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स वन ऑन वन लड़ रहे होते तो डेफिनेटली ट्राइसेराटॉप्स अपने सिंगों से टीरेक्स की अतड़ियां बाहर निकाल देते, लेकिन जस्ट लाइक लायंस क्योंकि टीरेक्स झुंड में शिकार करते थे और उन्होंने ट्राइसेराटॉप्स को चारों ओर से घेर लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली यहां पर नॉन वेजिटेरियन टीरेक्स बाजी मार गए। सो इस कहानी से यहां पर हमें पता चलता है कि टीरेक्स वर डेफिनेटली अनडिफीटेबल एट दैट टाइम, पर आखिर कब तक? क्योंकि जमीन पर जहां पर यह लड़ाई हो रही थी उसी वक्त आसमान से एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोर तेजी से उनके तरफ बढ़ रहा था, जिसने इवेंचुअली पृथ्वी का मंजर कुछ ऐसा बना दिया। एक बंजर जमीन जहां पर सिर्फ लाशें बिछ गई थी। अब उन चंद आखिरी लम्हों में उन डायनासोर्स के साथ आखिर क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, कैसे वो तड़प रहे थे, उनके स्ट्रगल और सर्वाइवल की कहानी क्या थी, इसे हमने हमारे एक पास्ट के वीडियो में, ये वीडियो यहां पे आप देख सकते हो, इसमें डिटेल में कवर किया है। एंड आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक आउट दिस वीडियो ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाए डायनासोर्स के उस समय का। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने इसके पहले के दो वीडियोस भी देखे होंगे, क्योंकि यहां पर डायनासोर का सीरीज चल रहा था और ये तीसरा वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई हाईली सजेस्ट चेक आउट द फर्स्ट टू पार्ट्स एज वेल, पार्ट वन और पार्ट टू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला और ऐसे सीरीज अगर आपको पसंद आ रहे तो नीचे कमेंट्स में भी लिखो यार कि और कौन से टॉपिक पर आप ऐसे सीरीज देखना चाहोगे एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए, राइट डाउन इन द कमेंट्स। इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करो ताकि उन्हें भी एंटरटेनमेंट के जरिए कुछ नॉलेज मिल सके। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।